calling. तो ये है अपना नया पीसी जे, ही आल्सो हैज अ वेरी गुड टेक चैनल. तो जे इज गोना सेट अप. इसमें क्या है बड़े वाले में? वी आर प्लानिंग टू डू वन स्ट्रीम विद द न्यू पीसी. अच्छा 165, मेरे पुराने वाले का 144 है. तो दिस इज स्पेशली अ गेमिंग मॉनिटर. तो मैग्नेटिक है क्या? चला 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 चला. They didn't start, बहुत beautifully start होता है. अच्छा अभी हुआ नहीं है? यहाँ पे कूलर पे कुछ होगा. और बुरा स्टेज शो भी होगा. और भी साला ये क्या है अबे? रोगो आपके लिए सरप्राइज है इसी में. इसमें क्या सब्सक्राइबर अपने बढ़ जाएंगे क्या? नहीं. Wow, look at this. ये लिक्विड कूलर है that cools the processor. रेडिएटर है ये उसके पंखे. The Aorus 240 कूलर has a option to मतलब खुद की इमेज भी लगा सकते हो. खतरनाक कूल है भाई. सही में कूलर कूल है भाई. तो भाई ये तगड़ा काम करके लाया है. ये किस लिए? माउस पैड है. इसमें थोड़ी और बड़ी करते हैं तो इसमें चटाई लगा के सो जाते हैं. गेमिंग करने के बाद थकान हो गई, यहीं सो जाओ आप. वायरलेस चार्जर आईफोन के लिए. भाई रुलाओगे तुम लोग. भाई ये ट्राई करना, ये मिला है किसी से. सो द प्रॉब्लम इज ऊपर का जो मॉनिटर है नया, उसकी पावर कॉर्ड मैच नहीं हो रही, तो हम इसकी वाली ले जा रहे हैं. ब्रो जैसे आपके जिम में वेट्स होते हैं वैसे माउस में भी वेट्स आ गए. मतलब अच्छा कि माउस भारी हो जाए. हमारा पीसी बनके तैयार हो चुका है. Aorus C300. जोर से बोलो, जोर से बोलो. ये है. जी हाँ दोस्तों. This is Gigabyte AC300G cabinet. Type C port मिलता है आपको. अंदर है Gigabyte 2 RTX 2080 Super 3900X processor, AMD Ryzen 64GB RAM. तो हमने चार लगवाई है 16x64 और दो हमने SSD लगवाई है. Apple के laptops इसलिए smooth होते हैं because they use only NVMe. तो हमने भी ये लगवाया तो हमारा भी स्मूथ हो जाएगा. ठीक है, तो इसमें हमने दो SSD लगवाई है. कस्टम केबल्स एंड कूलर कस्टमाइज्ड. Aorus 240 लिक्विड कूलर है. हमारा वैसे एसी तो अच्छा नहीं है, लेकिन इस कूलर की वजह से आजकल मोस्टली अगर आपको गेमिंग करनी है लोग SSD लगवाते हैं, बिकॉज उससे बहुत फास्ट करते हैं. उसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते. आपने देखा होगा जब 64 in 1 की आती थी कैसेट अंदर से, तो इट इज एक्जैक्टली इतनी सी होती है भाई. लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि वो कहाँ लगी है. मैं इसे 3 बार पूछ चुका हूँ, ये चौथी बार. और इसमें वाईफाई इनबिल्ट है. कैसे दबाते हैं? कैन वी से दिस इज अ टॉप गेमिंग पीसी? तो दिस इज द टॉप गेमिंग पीसी एज ऑफ नाउ. मतलब 64GB रैम है, 2TB SSD है, 2080 सुपर ग्राफिक्स कार्ड है, Ryzen 3900X है, और Aorus 850 वोल्ट मॉड्यूलर पावर सप्लाई. मॉनिटर है अपना 27 इंची का मॉनिटर है. टोटल मिला के इसका 3 लाख का प्राइस है. मैं ब्रेकअप आपको नहीं दे रहा. रैम इज 128GB. 128 कैसे लगा दी तूने? 32x4 भाई. 32 की आती है, मुझे लगा 16 की आती है. 128GB रैम का क्या करेंगे हम? स्ट्रीमिंग विल बी सो स्मूथ. 128GB की हमारी रैम है. मेरे ख्याल से 64 के ऊपर मेरे लिए काफी होगी. तो 64 के ऊपर अगर किसी को चाहिए आधी बांटनी हो तो हम बांट सकते हैं. What's up guys, welcome back. आज है 18 अगस्त. आज बहुत ही स्पेशल दिन है, वो आपको बाद में बताऊंगा. हाँ बेटू, हम लोग घर पे है. माय मॉर्निंग स्टार्ट्स विद अ कप ऑफ टी. माय टी इज रेडी एंड हैविंग सम बिस्किट्स विद द टी. हाँ बेटा, मजा आए शॉपिंग करके? मम्मा के साथ मजे आए? मम्मा के साथ ज्यादा मजा आता है कि पापा के साथ? पापा. अरे मेरा बेटा. पापा. अरे मेरा गर्ल. बेटा पापा के साथ जो मजे है. तू तो बहुत डिप्लोमैट है भाई. तू तो बहुत डिप्लोम. तो हम लोग सुबह सुबह पीते चाय और थोड़ा सी न्यूज देखेंगे, समाचार देखेंगे. तुम रहने दो, तुम मम्मा पापा. मम्मा पापा हम अभी हैं घर पे. आज रितु जा रही है पार्टी पे. अब कौन सी पार्टी पे वो तो आप रितु से पूछ लेना. थैंक यू सो मच फॉर सच लवली कमेंट्स ऑन यस्टरडेज वीडियो. कौन सी पार्टी है आज? हां पार्टी नगरी है आज. इधर पार्टी नहीं आज, क्या है फिर? किताब वाली कौन सी पार्टी है? पन्ने उड़ाओगे क्या हवा में? पापा को राम राम भी नहीं किया आपने आज? राम. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. जय माता दी. जय पापा. जय जय माता. माता दी. दी जय माता दी. जय माता दी. सुसु आ गया. बाथरूम बाथरूम बाथरूम. भाभी रशो को सुसु आ गया. बाथरूम बाथरूम बाथरूम. भागो भागो भागो. बाथरूम 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 बाथरूम.
अगर आप मेरे ट्विटर पर जाकर देखेंगे तो मैंने लिखा है 04CE1017 फक रहे। आज ये 18 अगस्त इज फाउंडेशन डे ऑफ IIT खड़गपुर। सो प्राउड ऑफ ग्रेजुएटिंग फ्रॉम IIT खड़गपुर। द बेस्ट नॉलेज टेक्निकल टर्म्स बट द बेस्ट लाइफ नॉलेज आई गॉट वाज फ्रॉम स्पेंडिंग 4 इयर्स इन IIT। आई मेड द बेस्ट फ्रेंड्स इन IIT। एवरी ईयर जनवरी में मैं IIT खड़गपुर गया था क्षितिज के लिए। जब मैं वहां से वापस आता था वो फीलिंग सो नॉस्टैल्जिक। मुझे मैंने उस लॉग में एक बात कही थी, आप कोई चाहे कितना ही 5-star होटल क्यों ना दे दे यार, लेकिन जो यहाँ रहने का मजा है, लेकिन यहाँ रहने का मजा वैसे नहीं है। यहाँ रहने का मजा उन दोस्तों के साथ है जिनके साथ ये वो 3 साल बीते हैं। उन दोस्तों के बिना ये जगह का मजा नहीं है उसके लिए। तो हमने डिसाइड किया था कि हम 18 अगस्त को 10 लोग सिविल इंजीनियरिंग से हमारे बैच के, हम लोग IIT खड़गपुर जाएंगे और फाउंडेशन डे पे, क्योंकि रात को बहुत अच्छा फंक्शन होता है, वो करेंगे पूरा लाइफ रिलीव करेंगे कॉलेज वाली कोरोना। इट इज राइट नाउ 1:13। आई एम ट्राइंग टू डाउनलोड एवरीथिंग जो मेरे दूसरे PC में था सारा, मैं स्टीम से डाउनलोड करूँ अपने गेम्स। और इट इज 2 बजे मेरी तबला क्लास का भी टाइम। कुक द फूड वाज़ इट नॉट हियर, तो कुक करते हैं फिर तबला क्लास करते हैं फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। भाई इतना फास्ट बजा रहा है कि इंटरनेट कैश नहीं कर पा रहा, लैग हो रहा है, बट ही इज जस्ट 16 इयर्स ओल्ड गाइस। सर दिस इज रेला, मेंट टू प्ले इट फास्ट जस्ट लाइक अ ट्रेन। टे टे गे ना, तो दिस इज 27th अगस्त तक। हां अगर आप की रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, हां आई विल गिव यू योर फर्स्ट कायदा। हां आपसे एक एडवाइस लेना था। हां बोलो ना। मुझे भी गेमिंग के पहले नहीं पता था, बड़ा मुझे पता चला इट इज एन अमेजिंग प्लेस टू हैव फन। आप इसको फोन में भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, PC लैपटॉप, और ये दिन भर चलता रहता है। मैं कभी बोल रहा हूँ मैं किसी भी चैनल पे जाके बात कर सकता हूँ। यहाँ देखो यहाँ पे बहुत सारे इमोजीज हैं, बहुत कुछ यहाँ चलता रहता है। जनरल VC में ये लोग बात कर रहे हैं, अपना चल रहा है कुछ भी। और जब मैं रात को लाइव जाऊंगा तो इस चैनल पे सबसे बात करूंगा। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर। और यहाँ पे अगर आप बात करना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे हमारे कस्टम इमोट्स हैं, इमोजीज हैं, मीम्स हैं, मेरे रशु के फैन किधर है, ओइंक मोबाइल। यहाँ डिस्कॉर्ड की एक अलग कम्युनिटी होती है और ये बहुत सही कम्युनिटी है, मैंने भी रिसेंटली डिस्कवर किया। बट सो फाइनली आज जो घड़ी आ चुकी है, जब अपनी गेमिंग चेयर अनबॉक्स कर रहे हैं, तो अनबॉक्स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर मुझे एक हेडसेट में जो कि आज रात को जरूरत पड़ेगी। कहाँ जा रहा है रशियो? मम्मा के पास, मम्मा को लेने। बस मम्मा आ रही, नीचे जाओ मम्मा को ले आओ। जाओ बैग बहुत बड़ा नहीं है आपके लिए ये? रशियो की मम्मा नीचे आ गई। रशियो मम्मा को सीट। ओ मेरे सोनम बेबी को क्या हो गया? क्या हो गया? भाभी आपको लेके नहीं गया? भाभी गंदा? नहीं भाभी गंदा नहीं है, एक्चुअली रितु को सामान लाई तो भाभी इसलिए गई कि सामान में हेल्प कर सके। लगी बेचारे की मेरे को लेके नहीं गया, सुबह से मम्मा से दूर है ना। अच्छा कल मजे आए थे मम्मा शॉपिंग करने गई थी? हैं कल मजे आए थे? मैंने सुना है कि कल रशियो ने स्मूदी पिया था भाई और चीज केक भी खाया था भाई। टेस्टी था? पापा ताम दिम्मे ला लो पापा पापा प्लीज दिम्मे। सॉरी अच्छा सॉरी मैं बता पोलाइटली बोल दो। वही है, थोड़ा दूर पड़ जाता है, लाना जाना ना। मेरा तो इसलिए दिल करता है स्कूटी ले लो, जाके चारा लेके आऊँ। पहले बचपन में हम साइकिल में जाते थे चारा लेने। हमारे घर गाय और भैंस थी, पूरा कट्टा भर के 5 या 10, 1-5 रुपए का कट्टा भरता था छोटे वाला, 10 रुपए का बड़े वाला। भैया यहाँ पे कहीं पे वो गायों का चारा नहीं कटता क्या? सबसे बड़े 2 ही दान है, कन्यादान। सो आज मैंने ऑफिस से आते ही सब्जियाँ ले ली सारी, थोड़ी सी गाय की पालक भी लिया, गाय को पालक दे देंगे। हाँ भैया इधर ही लगा दो। हाँ 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 ये लो ये लो ये लो। हेलो
सो गाइस अभी मैं बाहर निकला हूँ सिर्फ एक ही काम के लिए, जैसे मैं सुबह से लगा हूँ कि भाई लाइव स्ट्रीमिंग आज सही सलामत निकल जाए, दो पीसी फिगर करने हैं। तो जो नया पीसी हमारा है उसकी जो पावर कॉर्ड है, उसकी पावर कॉर्ड का जो थ्री पिन प्लग है बहुत मोटा, उसके लिए कन्वर्टर लेने जा रहा हूँ। उसके बाद मैं थोड़े तबला वाली दुकान पर जाऊँगा, तबला की दुकान पर मैं तबला का कवर लूँगा क्योंकि आजकल बारिश बहुत हो रही है, ह्यूमिडिटी बहुत हो रही है, तो तबले का ब्लैक पार्ट देखते हैं ऊपर, उसको बोलते स्याही, तो स्याही फटने लगती है, स्याही निकलने लगती है। तो ऑप्शन से या तो मैं इसका प्लग ले लूँ या तो फिर पूरी कॉर्ड ही नहीं ले लूँ मैं। भाई साहब इसका वो चाहिए प्लग ना, ये मोटा वाला है, कितने का भाई साहब? तो भाई ये काम तो अपना निपट गया फटाफट, अभी जा रहे हैं तबला काम करने। ऑल्सो जो मेरे गुरुजी हैं जो सिर्फ 16 साल के हैं, वो मुझे डांट लगा देते हैं यार, अरे गौरव सर आप तबला का कवर नहीं लेके आए, ये आपको लगाना चाहिए, इससे तबला खराब हो जाएगा नहीं तो। मैंने उसको बोला हाँ भाई मैं आज लेके आऊँगा, सॉरी सर। भाई ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर दिस साइकिलिस्ट, मतलब मोटरसाइकिल वाले कार वाले सिग्नल तोड़ के जा रहे हैं लेकिन भाई अपना ही खड़ा हुआ है, ग्रेट रिस्पेक्ट। अरे ग्रेट रिस्पेक्ट की तो इतनी तारीफ करती हूँ निकल लिया हो, स्टिल नो डिसरिस्पेक्ट टू हिम, साइक्लिस्ट के लिए सिग्नल नहीं होता, आई थिंक सो। भाई अपने से आगे सरदार जी जो जा रहे हैं, इन्होंने सिग्नल में मेरे बगल में रोके दी गाड़ी, भाई साहब ने इतना जबरदस्त परफ्यूम लगाया हुआ है ना, पूरा सिग्नल महका दिया इसने। मैं एक चीज बहुत अच्छी हुई कि लॉकडाउन में मैं चार दीवारी के अंदर रह के भी कॉन्टेंट बनाना सीख गया, सो नाउ आई थिंक व्हेन आई स्टार्ट ट्रैवलिंग दोबारा से जब खुलता है सब कुछ, इट विल बी दैट ईजी, दैट मच ईजी फॉर मी टू मेक कॉन्टेंट। बट हाँ डिफिकल्टी क्या होगी, जब मुझे दोबारा से सिनेमेटिक डालने पड़ेंगे, दोबारा से ड्रोन डालना पड़ेगा, और जो आपको मैंने क्वालिटी दी हुई है वो क्वालिटी दोबारा अगर लानी पड़ेगी तो मुझे अच्छा खासा उस पर सोच लगानी पड़ेगी कि भाई मैनेज कैसे करें डेली व्लॉगिंग। चलो 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 ये सामान उठा के निकलना है, भाई सामान उठा के निकलना है। ले लो क्या हो गया, पुलिस ने पकड़ लिया। सर एक नीचे गद्दा चाहिए मेरे को, कितने का है पेयर सर? पूरा सेट है भाई। अच्छा सेट, ये कितने का है? गाइस लिटरली मैं पागल हो गया हूँ, हम लोग आज फाइनली डिसाइड किया कि नहीं कर रहे स्ट्रीम, बट मैं और रितु एक प्राइवेट स्ट्रीम कर रहे हैं, इन द सेंस कि एक टेस्ट स्ट्रीम कर रहे हैं, बट जस्ट अ चेक। सो मी एंड रितु आर प्लेइंग द गेम नाउ, गेम चल चुका है फाइनली आफ्टर अ लॉट ऑफ ट्रबल। दोनों का हो गया क्वालिफाई, अभी आएंगे, अभी रुक जा रुक जा रुक जा दो। हाँ अभी अगली स्टेज में देखते हैं, अगली स्टेज देखते हैं कौन कितना पानी में है। रैंड ऐसा होता है जब बंदे को पहले क्वेश्चन का आंसर सही लिख दे ना, उसको लगता है मैं अब आईएएस बनने वाला हूँ सीधा। पेपर आता है, अबे साला पेपर तो बहुत अच्छा हुआ था, ये रिजल्ट में पास क्यों नहीं हुए, अरे कितने कमीने हुए, बटे लेफ्ट से ओ मैं गिर गया, ओए यार अरे बटे अरे राजा ओए और एलिमिनेट हो गए, एलिमिनेट हो गए भाई। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना मत भूलें। आज का भी व्लॉग मैं डिस्कॉर्ड पे पहले डालूंगा, यूट्यूब पे बाद में डालूंगा, सो जो लोग डिस्कॉर्ड पे हैं उनको एटलीस्ट 10 मिनट पहले व्लॉग आ जाया करेगा रोज़।